नमस्कार बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पलवल की। निजी स्कूल संचालक के प्रिंसिपल पर छात्र के अभिभावक द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर देसी कट्टा तानते हुए जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद सहित 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रीनवुड स्कूल प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनके स्कूल की छुट्टी के समय वैन खराब हो गई और वैन चालक मोहन ने इसकी सूचना बच्चों के परिजनों को देकर बच्चों को स्वयं ले जाने के लिए कह दिया था। जिन परिजनों से बात नहीं हो पाई थी उनके बच्चों को वो स्वयं अपनी गाड़ी से लेकर छोड़ने चले गए तथा बाकी बच्चे वैन चालक व अन्य स्टाफ के साथ स्कूल में ही रह गए। इसी दौरान एक बच्चे वैष्णवी के परिजन वहां आए और उस पर उस समय बच्चों को लेकर चले गए। उसके अगले दिन बच्ची वैष्णवी के पिता प्रवीण गौतम, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी गौतम और डिम्पी नामक व्यक्ति व 2-3 अन्य लोगों के साथ उनके कक्ष में पहुंचे, जहां पर स्कूल प्रबंधक नरेंद्र राणा भी मौजूद थे। इसी दौरान प्रवीण गौतम ने देसी कट्टा निकाला और प्रिंसिपल के गले पर रखकर जान से मारने की धमकी देने लगा। शोर सुनकर अध्यापक भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने उसे कट्टा छीन लिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने तुरंत 112 पर पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पूर्व सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित प्रिंसिपल की शिकायत पर उक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। सुबह एक पेरेंट्स जिसका नाम प्रवीण गौतम है, वह आया, अपने साथ 2-3 जने लाया था और उसके साथ में उनकी पत्नी भी थी जिनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी। तो उस टाइम पे वो बीच में आता है ऑफिस में और मेरे ऊपर कट्टा रख देता है और जान से मारने की धमकी देता है। बिना बात सिर्फ ये थी कि कल उनकी जो मामला ये था कि प्रवीण गौतम, यहाँ पर उनकी लड़की पढ़ती है, पेरेंट्स हैं, कल वो इको ख़राब हो गई थी स्कूल के गेट पे, तो सभी बच्चों को इको वाले ने फ़ोन कर दिया था और पेरेंट्स आ करके अपने बच्चों को लेके भी गए और वो भी आए थे और अपनी लड़की को ले गए थे। तो उनका ये वो था कि यहाँ पर प्रिंसिपल को रुकना चाहिए था कि अगर इको ख़राब हो गई है तो, इस बात को लेकर के वो आए थे। बताया जा रहा है उन्होंने कट्टा स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर कुछ बदमाशों ने पिस्टल रख के उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो क्या कार्रवाई हो रही है सर इस मामले में? इसमें ना सबसे पहले तो मैंने FIR दर्ज कर दी मैडम आर्म्स एक्ट के तहत जी। और ये जो है एक उनकी स्टूडेंट, उनकी बेटी स्टूडेंट है इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जी। और ये बेटी के फादर ही थे, किसी बात को लेकर नाराजगी थी जी। जो उसमें वो इलीगल वेपन लेकर के पहुँचे थे, हमने वेपन सीज कर लिया है और FIR रजिस्टर करके जल्द से जल्द हम उनको अरेस्ट करेंगे। चलिए बात करेंगे अभी पलवल की ही। गतपुरी थाना अंतर्गत गांव प्रथला के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रैक्टर में सीधी टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। आरोपी कैंटर चालक घटने के बाद कैंटर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दिया। पलवल के गांव प्रथला निवासी लोकेश ने बताया कि उनका गांव में केला देवी के नाम से एक भट्टा है, जो उनके भट्टे पर लेबर के कुछ लोग काम करते हैं। रविवार की रात को उनकी बहन की शादी थी, उसमें लेबर के आदमी भी काम कर रहे थे। शादी समारोह का कार्यक्रम एक निजी बैंकेट हॉल में था। सोमवार सुबह बैंकेट हॉल से सामान को ट्रैक्टर के जरिए घर ले लाया जा रहा था। भट्टे पर काम करने वाले चालक प्रहलाद, मुंशी इंद्रपाल व चौकीदार ऋषि तीनों ट्रैक्टर में सामान लादकर घर के लिए आ रहे थे और बैंकेट हॉल से कुछ दूरी पर तीनों ट्रैक्टर को लेकर हाईवे पर चढ़ ही रहे थे, तभी गलत साइड से एक कैंटर आया और ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। कैंटर की टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर पर बैठे तीनों लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए और घायलों को सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया, जहां घायल प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया गया और मुंशी इंद्रपाल व चौकीदार ऋषि की हालत देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन इलाज मिलने से पहले ही रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। आरोपी चालक घटना के बाद मौके से कैंटर को छोड़कर फरार हो गया। जांच अधिकारी मनोज ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। क्या नाम है जी आपका? अवनीश। अवनीश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का हूँ। अच्छा, प्रहलाद क्या लगते हैं आपके? प्रहलाद के जो लड़का हमारा दोस्त लगते हैं, मेरे साथ काम करते हैं कंपनी में। हमें सूचना प्राप्त हुई है सुबह 5:30-6 बजे, तुरंत मैंने विकास को लेके, विकास हमारे पास आया, हमारे पापा का एक्सपायर हो गए। मैंने उनसे पूछा कैसे, क्या रास्ते में रहा कि एक्सीडेंट हुआ, एक प्रथले पंडित की गाड़ी चलाते थे भट्टे पर, उनकी लड़की की शादी थी ट्रैक्टर वाले की, उन्हीं की शादी में रहता, वो उनका बचा हुआ सामान था जितना, वो लेके उनके वापस जा रहे थे घर पर। तो रास्ते में आके यहाँ प्रथला में कारपोस्टर बैंक के सामने कंटेनर वाले ने मार दिया, असर वाले ने।
ट्रैक्टर के दो टुकड़े अलग अलग पड़े हैं वहाँ पर। फिर उनकी डेड बॉडी यहाँ आई है परवल हॉस्पिटल में। फिर तभी हमें फ़ोन आ रहा था पड़ रही, तो इनकी हमें सूचना मिली जैसे हमें कहा। फिर इनको ये सुबह करीब 5:30 बजे मत्ता के लेबर के आदमी कोई शादी के फंक्शन का सामान लेके और छपरोला मोड़ को हाईवे क्रॉस करते थे ट्रैक्टर पे, जो फरीदाबाद की तरफ से एक कंटेनर बॉडी का आया और उसने इस ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिस पर 3 लोग सवार थे। तीनों को हमने सरकारी हॉस्पिटल पलवल में एडमिट करा दिया था, जो दौरान इलाज एक की सरकारी हॉस्पिटल पलवल में मौत हो गई और 2 आदमी दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर किए थे, जो अभी अभी सूचना मिली है कि 2 आदमी वो भी दिल्ली में एक्सपायर हो गए। टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया है मौके से, टैंकर को कब्जे में ली गए और दोनों ही आदमी सेक्शन 279-304 मुकदमा का काम कर दिया है और तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आरोपी चालक की तलाश कर रहे हैं। चलो बात करेंगे अगली खबर की। जननायक जनता पार्टी ने सोहना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया और इस कार्यकारिणी में सतीश राघव को हल्का अध्यक्ष व महिपाल खजाना को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष, 5 सह उपाध्यक्ष और 6 महासचिव, 6 संगठन सचिव, 1 महाकोषाध्यक्ष और 2 प्रेस प्रवक्ता, 9 सचिव, 4 सह सचिव नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा ने बताया कि 24 नवम्बर को दिग्विजय चौटाला सोहना में तावड़ू के नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे व 9 तारीख को झज्जर में होने वाले जनसरोकार रैली को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इस मौके पर हल्का अध्यक्ष सतीश राघव ने बताया कि 9 तारीख को होने वाले जनसरोकार रैली को लेकर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के विचारों से लोगों को अवगत कराएंगे व रैली को पूरी तरह से कामयाब करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र की स्टेडियम महिला कॉलेज की मांगों को लेकर 9 तारीख को होने वाली जनसरोकार रैली में प्रमुखता से ये मांगे रखी जाएंगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि जननायक जनता पार्टी ने हल्का सोहना व तावड़ू की कार्यकारिणी का गठन किया है। सोहना कार्यकारिणी में 40 सदस्यों को पार्टी में पदभार दिया है। मौके पर हल्का अध्यक्ष सतीश राघव ने बताया कि 24 नवंबर को सोहना व तावड़ू की नवगठित कार्यकारिणी से दिग्विजय चौटाला एक मीटिंग करेंगे। सोहना ब्लॉक के हमारे हल्का अध्यक्ष सतीश राघव जी आज अपनी सोहना ब्लॉक की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इन्होंने अपने 40 मेंबर बनाए हैं, जिसमें 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 4 सह उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 1 संगठन सचिव और 1 कोषाध्यक्ष, 1 प्रेस प्रवक्ता और 7 सचिवों और 4 सह सचिव। ये इन्होंने अपने आज कार्यकारिणी जननायक जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सोहना हल्के में अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है और उसी का आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी के लिए आज ये हमने प्रेस वार्ता में। तो जैसे लोगों के पास प्रचार के लिए आप जाओगे तो किस मुद्दे को लेकर? 24 तारीख को हमारे तावड़ू ब्लॉक के अंदर श्री हमारे राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जी आ रहे हैं। उस दिन हम अपने जो हमारी 9 दिसंबर को रैली होनी है झज्जर में जन सरोकार रैली, उसके लिए हम हर घर जाके और अपने जितने भी अपने सोहना तावड़ू के लोग हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सबकी मीटिंग लेंगे दिग्विजय जी और हम इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और अपना जो भी होगा जो हमें जिम्मेदारी देंगे हमारे प्रधान ऋषि राज राणा जी, हम उसे पूरा करेंगे। खेल स्टेडियम है उसमें आज तक कोई कोच या कोई मतलब ऐसे नहीं है कि जिसमें कोई बच्चे खेल सके और एक महिला कॉलेज की बड़ी डिमांड है सोहना में, कोई महिला कॉलेज नहीं है। एक महिला कॉलेज हम चाहते हैं कि इस इलाके में आए और गांव घामड़ोद में 27 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, इसमें कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट। चले मैं रुक करेंगे अगली खबर की। यूथ कांग्रेस के नव नियुक्त पदाधिकारी नितिन सिंगला दिल्ली स्थित दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंचे और दल बल के साथ यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के फरदाबाद शहरी अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन सिंगला को बहुत बहुत बधाई दी गई और विजय प्रताप सहित जैसे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बहुत मदद की है और मुझे उम्मीद है कि यूथ कांग्रेस दल बल के साथ आम जनता की आवाज पूरे देश में उठाएंगे। दीपेंद्र किसानों के मुद्दों पर बोले कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसान आंदोलन में जो मांगे उठाई गई हैं पूरी तरह से जायज हैं। किसानों की मांग जायज साबित हो गई है क्योंकि सरकार ने कानून वापस ले लिए हैं। किसान आंदोलन में शहीद हुए परिवारों को रोजगार मिले यह जायज मांग है और 6 मांगों को समझे और सरकार और तुरंत हल निकाले और भर्ती के मामलों को भी लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है और पर्ची खर्ची और फर्जी और
नोट की अटैची के साथ करोड़ों की भर्ती चल रही है। हरियाणा में पेपर कहीं ना कहीं लीक जरूर काम कर रही है। मुंबई की तादाद लगातार देश का युवा सरकार से अपने आप को ठहराव महसूस कर हरियाणा की बात करिए, हरियाणा के विकास को पटरी से उतारा लेकिन युवाओं के भविष्य को भी पटरी से उतारना काम इस सरकार ने किया। प्रदेश का युवा देश में सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी दर झेल रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार केंद्र सरकार कह रही है कि आज हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और स्थिति अलार्मिंग है। नीति आयोग कह रही है कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और हरियाणा में बेरोजगारी की स्थिति अलार्मिंग है। बाकी दोनों तो टापू हैं, यहाँ पे निवेश भी नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति होना, हरियाणा तो दिल्ली के तीन तरफ है, ऐसी स्थिति होना बड़ा गंभीर स्थिति है। ऐसे में जो युवा कांग्रेस की नई टीम गठित हुई है, हम लोग प्रदेश में युवाओं के भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। नितिन सिंगला जी के नेतृत्व में कांग्रेस, युवा कांग्रेस की जो पूरी टीम फरीदाबाद में जो जीती है, ये जिलाध्यक्ष बने हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूँ पूरी टीम को। और प्रदेश के देखो मुद्दे जो हैं, वैसे मैंने कहा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी के अंतर्गत कई प्रदेश की में ना तो निजी रोजगार, क्योंकि निवेश नहीं हो रहा, निवेश दर शून्य तक आ गया, पलायन हो रहा है, और सरकारी रोजगार में जो व्यापक घोटाले सामने, 38 भर्ती घोटाले सामने आए। आज प्रदेश में आलम यह है कि फर्जी पर्ची और नोट की अटैची से भर्ती की जा रही है, लखी और करोड़ी के अंदर पेपर लीक कराए जा रहे हैं, करोड़ हो तो पेपर लीक कराओ और अगर लाख। चलिए बात करेंगे अगली खबर की, किसानों के एमएसपी मुद्दे पर कहा है कि किसानों का ये दायित्व है और वे अड़े रहेंगे, अगर किसानों के कानून सही थे तो वापस क्यों लिए गए, अगर किसानों को कानून के बारे में समझा नहीं पाए तो इसका कसूर है। देश में कोई भी कानून बनाए जाने पर जनता को विश्वास में लेकर ही कोई कानून बनाना चाहिए, ये सबक इस कानून से सभी राजनीतिक पार्टियों को मिला है। तीन कृषि कानून वापस लिए जाने के बारे में कहा है कि गांधी जी बेशक हमारे बीच नहीं है मगर गांधी जी के विचार अभी भी जीवित है। लंबा चला सत्याग्रह और आखिरकार सत्याग्रह की ही जीत हुई है और आने वाले भविष्य की सरकारों को भी एक नसीहत मिली है कि बिना जनता के चला कोई भी निर्णय लेना कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसकी पीड़ा देश को कितनी भी हो सकती है उसका आंकलन सरकार ने नहीं किया, उसका परिणाम है कितने ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए और बहुत बड़ी त्रासदी है कि किसानों के बारे में जितने भी शब्द प्रयोग में किए गए सब निंदनीय थे। इतना नीचे गिर जाना ये सही नहीं था। इस बार हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा सहित तमाम राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं, चुनाव में धन चाहिए, हमारी पार्टी के पास सोर्सेज नहीं है, हमारी पार्टी के विधायकों के खर्चे से ही पार्टी चलती है, हमारी पार्टी का कोई चंदा देने के बारे में भी नहीं सोचता कि कहीं हमारे घर रेड ना हो जाए। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में बहुत भारी मतों से जीत विजय प्राप्त करेगी। एक्चुअली नाम स्टार्टिंग में ना रखा जाता तो हमें कोई एतराज नहीं था, हम तो कहते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो छोटा सा कॉलेज है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम ब्रह्मानंद जी के नाम से रखो, पूरा सैनी समाज आपके साथ खड़ा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमको। किस तरीके सैनी समाज के युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, गत दिनों हमने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था जिसमें श्री माननीय श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उनके अंदर चीफ गेस्ट थे, तो वो यहाँ पे आकर उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी थी कि खेड़ी रामनगर में एक नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहा है, उसका नाम हम महाराजा शूर सैनी जी के नाम से रखेंगे, तो समाज ने उनकी बहुत बधाई दी उनको, अन्य प्रोग्राम करके और मैसेजेस करके और अदर अदर तरीके से पूरा समाज बड़ा खुश था कि चलो हमारे यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज महाराजा शूर सैनी जी के नाम से खुलने जा रहा है। परंतु अभी गत दिनों से कुछ एक पहले तो हमने सोचा कि अफवाह है कि उसका नाम बदलने जा रहे हैं, परंतु अभी माध्यम से ज्ञापनों के माध्यम से हमने देखा 2-3 दिन के अंदर कि इसका नाम को बदलकर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी अन्य नाम से इस महाराजा शूर सैनी जी के कॉलेज का नाम बदला जा रहा है। तो इसमें युवाओं में बड़ा रोष आया कि अलग अलग जगह से भाई साहब रोहतक से आए हुए हैं, कोई पूरी जगह से आए कि भाई ये एक नाम रखने के बाद किसी का नाम काटना बड़ा ही गलत है। चलो बात करेंगे अगली खबर की, इंटरनेशनल गीता महोत्सव में दिखेगी आधुनिक शिल्प कला और महाभारत पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पर 21 आधुनिक मूर्तियां बनाई जाएंगी और 21 युवा शिल्पकार इस कार्य को करेंगे और मूर्तियां केडीबी की संपत्ति बनेगी और मूर्तियों का रूप ऐसा होगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे और आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में ब्रह्म सरोवर का पावन तट आधुनिक मूर्ति शिल्पकला से सजाया जाएगा तथा महाभारत पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी का अमृत महोत्सव होगा। इसका जिम्मा हरियाणा कला एवं संस्कृति कार्य विभाग को सौंपा गया है।
शिल्पकार ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तम पूरा बाग में ही मूर्तियां तैयार करेंगे और पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही निर्धारित थीम पर ही पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाएंगे जो भव्य रूप में दिखाई जाएंगी आपको। और 21 कलाकारों की 21 मूर्तियां कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की संपत्ति होंगी। इन मूर्तियों को पुरुषोत्तमपुरा बाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ के निकट सजाया जाएगा जो लुप्त हो रही है। शिल्प कला को जीवित करने का अनोखा प्रयास होगा। इसके साथ ही शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान भी मिलेगी। पहली बार कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर के ऊपर स्कल्पचर्स बनाने का जो हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति है मूर्ति कला, उसको नए स्वरूप के अंदर प्रदर्शित करने का एक मौका ब्रह्म सरोवर के ऊपर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है। इसके अंदर देश दुनिया से 21 कलाकार जो हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर आएंगे, विश्व प्रसिद्ध कलाकार, और अपनी कला का यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। और ये लाइव प्रदर्शन होगा। इसके अंदर स्टोन जो है वो राजस्थान से आएगा और उस स्टोन को मूर्ति के रूप में वो यहीं पे विकसित करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। और इसके लिए लगभग 20 दिन का उनका ये समय होगा इन मूर्तियों को बनाने का। और ये मूर्तियां बाद में यहीं पर ही प्रदर्शित होंगी। इनको यहाँ पर सुंदर स्टैंड्स के ऊपर लगाकर एक आर्ट गैलरी का स्वरूप दे दिया जाएगा। इनके ऊपर लाइटिंग्स का अरेंजमेंट कर देंगे, इनका भव्य स्वरूप बना देंगे। खासतौर पे क्या रहेगा, मूर्ति देखी जाती है देश दुनिया में, लोग बनाते हैं, इन मूर्तियों में खास क्या रहेगा, क्योंकि महाभारत की नगरी है, गीता की नगरी है। बिल्कुल आपने सही कहा है, महाभारत की नगरी है, गीता की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, श्रद्धा की नगरी है। तो इस अध्यात्म की नगरी में इन मूर्तियों को भी आध्यात्मिक रूप से ही बना होना चाहिए और उसी स्वरूप के अंदर ये बनेंगी। और जो कलाकार हैं और इस मूर्ति कला को जो नए स्वरूप में देखते हैं, उस स्वरूप के अंदर ये महाभारत के दृश्यों को, महाभारत के या चले में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह व सांसद नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष डिजिटल लॉकर का लोकार्पण किया। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आभासी माध्यम से उपस्थित रहे और मंत्री संदीप सिंह बोले, डिजिटल लॉकर में एक क्लिक पर पुराने से पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह व सांसद नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष डिजिटल लॉकर का लोकार्पण किया, जबकि चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आभासी माध्यम से उपस्थित रहे। और मीडिया से बातचीत में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि डिजिटल लॉकर में एक क्लिक पर पुराने से पुराना रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि GIS लैब के माध्यम से 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है और अब डिजिटल लॉकर की शुरुआत की गई है। इसमें रिकॉर्ड ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध रहेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा की तरफ से जिला स्तर पर आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है। डिजिटल लॉकर से अब जमीन या प्लॉट से संबंधित किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड लेने के लिए तहसीलदार या पटवारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब क्लिक पर ही सारा रिकॉर्ड सामने होगा, डिजिटल साइन किए हुए डॉक्यूमेंट भी हाथ में होंगे। आज GIS लैब का उद्घाटन किया और पूरे 22 के 22 जिलों के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो है वो शुरुआत की है, जिससे कि आप पुराने से पुराने रिकॉर्ड को भी आप तकरीबन कई करोड़ कागजों को उन्होंने स्कैन करके, तो इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिससे कि आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड जो है वो आप निकाल सकते हैं और उसका कहीं पर भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, जिससे कि जो रिकॉर्ड जो है वो कायम रहेंगे और हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे जो हमारे लैब्स हैं उसके अंदर पूरा का पूरा इसका। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।